और आज का वेदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब मॉर्निंग से अच्छा नहीं था, मॉर्निंग से धूप निकली हुई थी, बट सडनली 2-2.5 बजे के बाद बहुत अच्छा हवा चल रहा था और हल्की फुल्की बारिश भी हुई। इस साइड बारिश हुई है और कहीं और दूसरे साइड बारिश नहीं हुई है, बट हाँ वेदर अच्छा हो गया है थोड़ा। मतलब धूप कम हो गई थी 2-2.5 बजे के बाद से, थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है। तो मैंने प्लान बनाया है कि मुझे छोटी मोटी कुछ शॉपिंग करनी थी चीज़ों की, तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मौसम, तो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ निकले मैं, निकली मैं इतने अच्छे मौसम में। क्योंकि नॉर्मली अभी कुछ महीनों से तो अच्छा मौसम देखने को मिल नहीं रहा है बिहार में, तो फिलहाल पानी की किल्लत हो चुकी है, मतलब बारिश ना के बराबर हुई है। और न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ कि कहीं कहीं मतलब बाढ़ आ चुकी है, तो क्या कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, मतलब उसी से जो मौसम, ये जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है सब उसी का है कि मतलब आजकल पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और अपार्टमेंट बनते जा रहे हैं, तो बस इसीलिए सहो गर्मी और क्या। खैर छोड़िए, ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, बस इसलिए मैं फटाक से शाम को रेडी हो चुकी हूँ। और ये आउटफिट अगर आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था, एक्चुअली मैंने जींस के साथ इसे वियर किया है। अगर उधर कहीं फुल आउटफिट दिखाने का मौका मिला दिखा दूँगी। वैसे आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरा ये लुक। तो मैंने ये टॉप आज वेयर किया है जो मैं लेके आई थी, आई होप अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए चलते हैं फिर फटाफट से, थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करते हैं उसके बाद आपको भी दिखाते हैं। मुझे अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान लेना था तो मैं शॉप पे गई थी, और मैंने आपको पहले जो दिखाया वो जूड़े के सब सैंपल थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बट मैंने लिया नहीं, बस मैंने ऐसे ही देखने के लिए लिया था, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और चूंकि सावन स्टार्ट हो चुके हैं तो चूड़ियों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर, और सबसे अच्छा मुझे ये वाला जूड़ा पसंद है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने लिया नहीं। और इसे देखिए, ये अभी जीत करके एक घड़ी खरीदवा के लाया है जो कि मुश्किल से 1 घंटे ही चलने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला कि कुछ ज़्यादा महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जितना कम दाम में मिल जाए खरीद दीजिए ताकि थोड़ा ये भी रिलैक्स हो जाए। तो अभी खरीद के लाया इसके लिए ये घड़ी, आई थिंक 20 रुपये मिला होगा ताकि खुश हो जाए। और ये चूड़ी का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। फिर से वापस आ गई हूँ, आज जो ना ट्रेजडी हुई है मेरे साथ ही, क्या बताऊँ। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, और यही सोच के मैं घर से बाहर निकली थी कि मुझे जो छोटी मोटी चीज़ें लेना है वो मैं ले लूँगी, बट बाहर निकलते ही वो भाई साहब क्या बारिश हुई है, मतलब बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। और ऐसी बारिश हुई है कि इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश, और बारिश की वजह से जो ना ट्रैफिक जाम में हम लोग फंसे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम लग गया था, और इसकी वजह से इतना मूड ऑफ हो गया ना कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया, बस बेटे के लिए स्लीपर लेना था वो लिया, उसका बेल्ट लेना था वो टूट चुका था तो बहुत दिनों से वो परेशान था तो वो लिया, और कुछ छोटी मोटी कॉस्मेटिक्स की मैंने अपनी सामानें खरीदी जैसा कि आपने देखा। और मैं मतलब मूड ख़राब हो जाता है ट्रैफिक में रुके रुके, इसलिए मैंने बोला कि नहीं अब मुझे नहीं रुकना है, और मैं इतनी टायर्ड भी हो चुकी थी ट्रैफिक में ऐसे गाड़ी में बैठे बैठे। तो फिर अभी बोले कि चलो गेस्ट हाउस में, वहाँ पे कुछ गेस्ट आए हैं उनसे ये बात करना है, तो फिर हम लोग गेस्ट हाउस आ गए और यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, अभी गेस्ट से वो बात कर रहे हैं, देन थोड़ी देर बाद हम लोग फिर घर के लिए निकल जाएंगे। थोड़ी देर क्या मतलब 10 बजने वाले हैं, ऐसा भी कुछ शाम नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने आज कुछ ज़्यादा सूट ही नहीं किया क्योंकि क्या बोलूँ, बेकार हो गया। मतलब एक बार तो बारिश नहीं, और बारिश हुई तो ऐसी कि ट्रैफिक जैम लग गया। खैर कोई नहीं, देखते हैं कि ये ब्लॉग कितने दिनों में कम्प्लीट होता है, तो बने रहिए आगे मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे ही। उसके बाद मैंने सडनली प्लान बनाया कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी, तो मैंने बोला कि चलिए मरीन ड्राइव घूम के आते हैं। हम लोगों के घर से ये काफ़ी उल्टा हो जाता है, और अभी बोल भी रहे थे कि इतनी रात को फिर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला जाना तो घर पे ही है, अब तो काम अभी ख़त्म हो चुका है तो क्यों ना एक चक्कर मार के आए। फिर दोबारा वही रास्ता घूम के हम लोग को आना पड़ता है, बट चलता है, थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए। तो हम लोग निकले घूमने के लिए, और जैसे ही हम लोग एंटर किए तो सामने कुछ आइसक्रीम के ठेला मुझे देखा, तो मैंने बोला कि अरे भाई यहाँ तो ठेला भी लग गया है और काफ़ी सामानें भी मिलने लगी है। और उसके बाद काफ़ी रोड नॉर्मली एकदम शांत था, बट
जैसे ही हम लोग चौराहा के पास पहुँचे वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने सारे ठेले लगे हुए थे, बहुत सारे लोग कार, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे मेला लगा हुआ है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा भीड़ मरीन ड्राइव पे हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि पटना में भी तरक्की हो रही है, तो अच्छा लगा यह देख के। और हम लोग जो घूमने आए थे तो ये देख के और भी मन खुश हो गया और अच्छा लगा, मतलब ये ड्राइव काफ़ी अच्छी रही। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि देखिए रात के 10 बजे का ये हाल है। अभी हो चुका है शाम, जी हाँ नेक्स्ट डे का शाम हो चुका है। मैंने पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं किया, एक्चुअली शूट करने जैसा कुछ था ही नहीं। उसके दो रीज़न थे, पहला ये कि आज का पूरा दिन डेली रूटीन की तरह बीता है तो मैं नहीं चाहती थी कि एक ही चीज़ दिखा कर मैं बोर करूँ आप लोगों को, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आज का वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुहाना था, मतलब काफ़ी बारिश हुई है पटना में। जी हाँ कल भी काफ़ी अच्छा मौसम था और आज भी काफ़ी अच्छा मौसम है, इसलिए मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स किया, बहुत आराम से मैं रिलैक्स मोड में चली गई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी इतने दिनों से पटना में। जैसे कि आपको पता ही है कि बारिश नहीं हुई है इस बार बिहार में, बहुत जगह हुई है बट पटना में तो नहीं हुई है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और इन दो दिनों से काफ़ी रिलैक्स लग रहा था, तो मैंने आज पूरा बॉडी को रिलैक्स ही दिया, मैं रेस्ट मोड पे चली गई थी। और अभी शाम हो चुके हैं तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर निकले ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए, तो बस हम लोग बाहर निकले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग गांधी मैदान के आसपास ही रहते हैं, मैं एग्जैक्ट आपको एड्रेस तो नहीं बता सकती बट हाँ हम लोग गांधी मैदान और स्टेशन के बीच में रहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं और घूमते हैं, थोड़ा मौसम का मज़ा लेते हैं। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, ऐसे कुछ खास प्लान नहीं है, ऐसे ही बस घूमना है, थोड़ा अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी, बस इसी का मज़ा लेना है और कुछ नहीं, तो बस इसलिए हम लोग निकले हैं, तो चलिए फिर चलते हैं। मैंने इसका ब्लॉग पहले भी बनाया है, उस वक्त ये इतना फिनिश नहीं था जितना अभी है, आप देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही है। जी हाँ मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, यहाँ जैसे हनुमान मंदिर में जूता चप्पल रखने के लिए बनाया गया है यहाँ भी बनने लगा है, और मे भी यहाँ प्रसाद भी मिलने लगा है, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ फूल ही मिलता था चढ़ाने के लिए, लेकिन अभी लग रहा है कि प्रसाद भी मिलने लगी है यहाँ पे। बट हम लोग अभी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग तो खा पी के आए हैं, है ना, हम लोग तो बस ऐसे ही थोड़ा सुकून की तलाश में यहाँ मंदिर पे आए हैं बैठने के लिए, थोड़ी गपशप होगी एंड देन रिटर्न घर, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं जैसा कि आपको पता है। मौसम देखिए और ये देखिए कितना खूबसूरत, मतलब जहाँ तक नज़र जा रहे हैं वहाँ तक सिर्फ हरियाली ही है यहाँ पे, ये मंदिर से व्यू देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ऐसे, मतलब नेचर के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और यहाँ पे शाम के आरती के बाद प्रसाद भी मिल रहा था, ये कुछ नया देखने को मिला मुझे पटना में, जो कि काफ़ी अच्छा था और ऐसा होना चाहिए।
उसके बाद मैंने यहाँ पे भेल पूड़ी खाई जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। हम लोग जा रहे हैं बाय बाय मंदिर। बहुत अच्छा लगा यहाँ बैठ के, इतना अच्छा लग रहा है रात में ये मंदिर। उसके बाद हम एक शॉप में आए, वहाँ से हमें गेस्ट हाउस के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। बेसिकली मतलब सफाई के लिए, गेस्ट हाउस साफ़ करने के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो हम लोगों ने वहाँ से उसको बाय किया एंड देन हम लोग वहाँ से फिर निकले घर के लिए। इन्हें देखिए यहाँ पे बैठे हुए आराम से। एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम बैक अगेन। मैं फिर से आ गई हूँ अपना फेस लेके आप लोगों के सामने। एक्चुअली कल हम लोग गए इस्कॉन मंदिर, जैसा कि आपने देखा हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे, बहुत सारी बातें की। मेरा मानना है कि अगर आपको सुकून की तलाश है ना, तो मंदिर से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती है। वहाँ पे एक अलग ही मतलब लेवल का सुकून होता है। तो मैं वहाँ जाके सब भूल गई, ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ भूल गई। मैं आराम से वहाँ पे बैठी और काफ़ी देर हम लोगों ने बातें की एंड देन कुछ करने को था नहीं तो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया और बस हम लोग वापस घर चले आए अपना कुछ काम निपटा के इधर उधर का। और कुछ था नहीं तो मैंने और कुछ दिखाया भी नहीं। तो बस इस ब्लॉग को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, छोटा ही ब्लॉग रखूँगी। होप करूँगी कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।